तैयारी करने के बाद माँ बेटे कर रहे हैं वॉक एंड टॉक। मैंने सोचा आज मेरे बच्चे के साथ में। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नानू कैसी हो, आप कैसे हो, आप सब कैसे आए हो, आप सब ठीक हो गए? तो अभी है सहरी का टाइम, सहरी का टाइम मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया गाइस। ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है तो अभी मैं कर लेती हूँ पहले सहरी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज मेरी सहरी क्या है वो आपको बताती हूँ। तो गाइस पराठे और ऑमलेट बना ली और एक कप चाय है मेरी, बस। हम शेयरी करके मैं और मेरा बेटा माहिर का भी रोजा है, इसके भी पूरा चल रहे इंशाल्लाह। एक रोजा छूट गया शायद अभी, तो है ना अभी दली। इसके भी चेहरे पे आप देख सकते कितना प्यारा नूर आ रहा है माशाल्लाह। तो अभी हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, खा पी लिया तो शायद भी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए ना गाइस। वैसे तो रमजान है, पूरे महीने हेल्थ अच्छी रहेगी, पूरे रमजान रखेंगे। सुबह जल्दी उठना, टाइम से सोना, कम खाना, ये चीज। तो चलो हम करते हैं माँ बेटे वॉक। सलाम तो कर लो। सलाम वालेकुम। तो आज है थर्सडे ना, कल की जुमेरात हमारे। तो गाइस बच्चे जा रहे हैं स्कूल और नाइस आज ले रही पैसों से चीज, क्योंकि आज अभी तक मेरी बोनी नहीं हुई। और मीसा का आज एक बात बताती हूँ आपको, बात मीसा दिखा जरा फेस, इसके सारे मच्छर खा रहे हैं, इधर देखो इधर। तो गाइस आज मीसा के इतने सारे मच्छर काट गए। वो रूम है ना हमारा वाला, हमारे वहाँ पंखा नहीं है तो वहाँ देखो जुकाम। आज खाने को भी स्पेशल बनाते हैं, स्पेशल गाइस क्या बनाएंगे, सब की बात जो अल्लाह देगा वही हम बनाएंगे, जो नसीब होगा वही खाएंगे। मुझे करे में दिल साथ चलने की मेरा आज भी रोजा भी रोजा चल रहे हैं, मैं कभी रोजा आया मेरी मम्मी का सुनता ना, मम्मी को दिलाया था आज बाहर जब गए थे ना, मम्मी फिर खराब हो गई था यहाँ सब कपड़े मतलब मशीन लगा दी यहाँ बालकनी में, इतने सारे कपड़े धो जब धुलते है ना कपड़े, ये 3 दिन के कपड़े है, सिर्फ 3 दिन के। ओए गिर जाएगा बाबू, कहाँ बैठा थे। तो चलो हम चलते हैं। मुसफियान चल रहा है क्या? हाँ पे। मेरे साथ बाजार। हाँ। ये भाई यहाँ सो रहा, देखिए सबको ले जाती पर मेरे को छोड़ के जाती है, पता नहीं क्यों। कल ले क्या होता है, कल तो मैं पापा के साथ गई थी, कल ले गए थे ना वहाँ पर मॉल पे, मॉल पर गए थे, कल ले तो गए थे। ऐसा थोड़ी करते करते हैं। इसके मायर के आंख में पता नहीं, बंद कर आंख पहले, ये पता नहीं क्या हो गई, गुआनी हो गई, ये लुआनी हो गई, पता नहीं क्या बोलते इसको, हमारे यहाँ बोलते हैं गुआनी, कुछ गंदी चीज टोक देते हैं ना तो उससे हो जाती है। ऐसा मेरी दुकान को बहुत ही केयरिंग करके सफाई कर रही है, पोछा लगा रही है, और ये काउंटर पे बैठ गई है, ये से थोड़ी करते काउंटर पे थोड़ी बैठते बेटा। और अभी मैं थोड़ा सा संभाल लेती हूँ, ये देखिए सुबह से बैठी थी, बच्चे भी संभाल रहे मेरी। तो गाइस ऐसे प्यार नहीं करती, बच्चे मेरी हर चीज की इतनी केयर करते गाइस, इतनी करते हैं। मैं जब सोती हूँ तो दुकान पूरी संभालते हैं, इनको पता है खाला जान सो रही है तो हमें उनकी चीजों का ध्यान रखना है, तो ये साफ सफाई से लेते हैं हर चीजें, छोटी छोटी चीजें करते गाइस। यही तो है ना मेरे बच्चों का प्यार मेरे लिए, ये जो बोलते थे करना पड़ता मेरे। चलो चलते बुरखा पहन लेती हूँ, फिर बिना बुरखे नहीं जाएंगे, वरना मीसा ही नहीं जाने देगा, भाई भी नहीं जाने देगा, बच्चा कोई भी नहीं जाने देगा, बोला अरे खाला बुरखा तो पहनो। तो अभी हम पैदल पैदल आ गए गाइस, मैं सुफियान मीसा, देख सकते हैं आप हमारी परछाई, मीसा को गुस्सा आ रहा के
मेरे से नहीं चला जा रहा पैदल पैदल, ई रिक्शा करो। ये देखिए जो बाजार था वो आना था, वो भी बाजार आ कलर दोनों अच्छे हैं। क्या मीटर है? 80 रुपए। हाँ 80 रुपए सही तो लगा रहे। क्या भाव भैया? हाँ लाल एकदम। ये भैया जाली आ रही सही है क्या? पके हुए बड़ी जाली आती है। ठीक भाव पूछ पूछ के। ये क्या भाव है चीकू? दस्तरखान है क्या यहाँ कहीं? अरे वहाँ भी नहीं मिल रहा। गाइस आ गए बाजार से पूरे थके हुए। मेरे में आया कल तो ब्रेक ले गए क्या कि चाय सबको देना तो धूप का टाइम चार के बाद बहुत दूर आता है ना। सब दिन दो दिन के लिए किसी से तरस आता है बेचारे कितना काम भाई। ये ले लो प्लेट है सबसे पहले, उसके बाद मेरी बहन के लिए लाई मैं फिर भी खाना में खाती है। मैंने सोचा दूध में मीठा बहुत पसंद है। ये देखिए इतनी महंगी लाई 240 रुपये किलो वाली ताकि इसके गले में चिपके ना। ये अच्छी वाली है गाइस ले लेना। हमें दो मीसा को भी खिलाना पड़ेगा ना, वरना मीसा कही अपनी बेटी को खिला दी। और ये ले गाइस सिवैया मोटी अभी बनाएगी ये बड़ी वाली बहन उबाल के घी डाल के बढ़िया मस्त से। यहाँ बहुत अच्छी लगती है, मेरी अम्मी को बहुत अच्छी लगती है सास हमारे। और ये तो सभी फल है आम को पकड़िए तो फल को तो कभी होगा। और ये यही सबसे बहन हम दस्तरखान के लिए लेके गए इसको। ओए आप इन्हें खोल और इफ्तारी में खाएंगे। ये सब पेट लेना। तो गाइस आज की प्रिपरेशन इफ्तार की ये देखिए दाल के वड़े, दाल के पकोड़े क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, लेकिन बहन ने बहुत ही पतला घोल कर दिया है देखिए ये देखो ताकि इसके ऐसे चिपके चिपके हो। ये यहाँ पापड़ तल दिए यहाँ, और ये दाल वो सॉरी चने बॉयल। ये स्मिशा प्याज काटने की कोशिश कर रही है पूरी पूरी। यहाँ कर दी बहन ने सिकंजी भी रेडी, सब कुछ रेडी कर दिया इसने अकेली ने। और ये माँ बेटी आके मदद करा रही है। और छत दिखाती हूँ मैं आपको इतनी क्लीन, आज ऐसा लग रहा है छत पे ही इफ्तार करें, लेकिन क्या करें यहाँ कहना एक तो बच्चे हमारे थोड़े से अच्छे नहीं। कपड़े देखिए गाइस अभी मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले, ये भी शायद हमारे ही कपड़े लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं ये तो पड़ोसी के हैं ये हमारे। तो ये गाइस मैंने आज लगा लिया फाइनली सुरमा। सिस्टर बोले बार बार आंखों में काजल लगा ले, सुरमा लगा ले, कुछ लगा ले, ऐसी लगती है रोज रोज सी। अरे मैं क्यों रोऊंगी भाई, मैं क्यों रोऊंगी, रोए मेरे दुश्मन। तो मैंने लगा लिया फाइनली, कब ठीक लग रहा है। ये देखिए ये क्या कर रही दोनों सिस्टर, और बाहर रोड चल रही है ये देखिए। आज की इफ्तारी हमारी क्या है ये बच्चे खुद बताएंगे, लेकिन हम नहीं बताएंगे, जो अल्लाह ने दिया वही है हमारा। तो अभी नया दस्तरखान लगा दिया हमने, दस्तरखान माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है।
22 चने अभी बाकी रह गए हमारे। आधी उबाली है ना? आधी जरासी आधी नहीं। बस रोजे का इफ्तार का टाइम हो गया, फटाफट काट ले। तो गाइस इफ्तारी के बाद ये दस्तरखान साफ करना भी एक बहुत ही अहम काम करता है, क्योंकि सब खा खा कर उठ के थक जाते हैं। हमेशा मेरी देह नहीं उठाती, आज भी उठा रही, मुझे पता चल रहा है। हाँ भाई तो हमें सुनाती नहीं है, पर मैं सुना देती हूँ। जब भी मेरा नाम लगा देती है तो जिन्हें नहीं सुनाया गाइस, मैं तो सुनाती हूँ। ये भीषा नहीं सुनाती है, सॉरी गाइस, ये मैं ऐसा नहीं सुनाती, मैं तो बहुत सारा सुना देती हूँ। गाइस इसकी नोज़ी दिख रही होगी आप। तो गाइस इफ्तारी रोजा नमाज सब पढ़ के अब मैं बना लेती हूँ मटन, क्योंकि बहन का थोड़ी सी डाउन लग रही तबीयत, वो बोल नहीं रही, वो बोले मैं बना ही लूँगी, लेकिन मैं सोचा मैं बना देती हूँ, फिर मैं जाऊँ मुझे बाकी काम कर लेगी, अगर थोड़ा बहुत कर लेगी। तो गाइस इफ्तार के बाद चाय सब्जी बन रही है, भाई का बना दीजिए मुझे मस्त बने चाय। और ये आपने देखा हुआ तेल बहन हटाती है, पता नहीं सा छड़ा दे, और बच्चों को भी साथ साथ पढ़ाई जरूर, मेरे लाइसा ने खून निकाल दिया, देखिए इतनी तेज लगी मेरे बच्चों को साथ साथ पढ़ाया भी जा रहा है, क्योंकि इनके एग्जाम है तीनों लड़कियों के, कल से उसके भी स्टार्ट होने वाले हैं। नाइशा का नाम अंशा के, तो गाइस आ गए इमरान जी मिशा के पापा, और अभी कर रहे हैं डिनर। ये भेजा है अलीना ने, ये हमारी पकौड़ी कैसे बनी भजिया, और ये कुछ बचा हुआ इफ्तार, मैं सिर्फ फ्रूट खाऊंगी गाइस। और ये बनाया था मैंने अभी मटन। आज हमारे हम दोनों की एक जैसे सेम पिच हो गए।